वाई सियाटिका पेन अकर्स, हमें सियाटिका दर्द क्यों होता है, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि सियाटिका के क्या लक्षण होते हैं, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं कि आपके कमर दर्द वाकई में सियाटिका का दर्द है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊँगा। और सियाटिका के केवल एक रीज़न नहीं होते हैं, इसके कई सारे डिफरेंट रीज़न होते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर तरीके से करा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि सियाटिका के क्या लक्षण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जिनको भी सियाटिका का प्रॉब्लम है, वो जो दर्द है वो कमर से शुरू होता है, कमर से शुरू होता है और हमारे जांघ के पीछे से होते हुए हमारे पैरों तक वो दर्द जाता है। अगर सियाटिका का प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमारे जांघों के पीछे, हमारे पैरों के पीछे जो है खिंचाव सा महसूस होगा, खिंचाव सा और टिंगलिंग सेंसेशन जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं झनझनाहट सा महसूस होगा आपको वहाँ पर, ठीक है। और अगर सियाटिका का प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा है तो हमारे पैरों में, हमारे तलवों में सूनापन सा भी महसूस होगा, हमारे जो टोज़ हैं, ग्रेट टोज़ है, वहाँ पर भी हमें सूनापन सा महसूस होगा। अगर आपको सूनापन सा महसूस हो रहा है तभी आप ये समझ लीजिए कि आपका सियाटिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ये तो था सियाटिका के क्या लक्षण होते हैं, लेकिन एक्चुअली में सियाटिका होता क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सियाटिका जो प्रॉब्लम है वो एक नस के दबने से होता है, उस नस का नाम है सियाटिक नर्व, ठीक है। सियाटिक नर्व के दबने से सियाटिका होता है, जो सियाटिका का जो टर्म है वो सियाटिक नर्व से ही लिया गया है। तो ये सियाटिक नर्व क्या होता है, हमारे कमर या फिर लंबर रीजन से नर्व रूट निकलते हैं, L1 से लेकर के L5 तक और S1 तक, ठीक है। वहाँ से नर्व रूट्स निकलते हैं, वो सारे नर्व रूट्स मिल करके एक मोटा सा एक नर्व बनाता है जिसे हम सियाटिक नर्व बोलते हैं। वो नर्व जो है हमारे जांघ के पीछे से होते हुए, हमारे पैरों के पीछे से होते हुए जाता है और हमारे पूरे पैर को वो सप्लाई करता है। तो जो भी हमारा पैर का जो मूवमेंट है, सेंसेशन है, वो इसी सियाटिक नर्व से ही कंट्रोल होता है। तो किसी भी प्रकार का अगर इस सियाटिक नर्व में डैमेज हो जाए या फिर उसमें कंप्रेशन आ जाए, वो अगर दब रहा है तो एक भयानक दर्द महसूस होता है और वो नस जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रहा है वहाँ वहाँ हमें दर्द, खिंचाव और झनझनाहट सा महसूस होगा, ठीक है। तो ये सियाटिक नर्व दबने का कई सारे डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है लंबर डिस्क हर्निया, जिसको हम लोग डिस्क बल्ज भी बोलते हैं या फिर प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे कमर में जो लंबर डिस्क होता है वो दब जाता है और वो वहाँ से जो नसें निकल रही है उसको दबाता है, जिसकी वजह से हमें कमर में भी दर्द होता है और हमारे पैरों के पीछे भी खिंचावट होता है, जो सियाटिका का कारण बनता है, ठीक है। ये सबसे कॉमन रीज़न है और 80% जो सियाटिका का जो कॉज है वो लंबर डिस्क बल्ज ही है। इसके ऊपर में मैं कई सारे एक्सरसाइज के वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जा करके आप उसके ऊपर में डिटेल में वीडियो समझ सकते हैं। दूसरा एक कॉमन रीज़न है SI जॉइंट डिसफंक्शन, सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन। हमारे कमर के पीछे में यहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि एक डिम्पल फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। आप अपने कमर में भी ऐनक में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में डिम्पल फॉर्मेशन रहता है, वो लैंडमार्क है जहाँ SI जॉइंट होता है, यानी कि सैक्रोइलियाक जॉइंट होता है। सैक्रम और इलियाक का जो एक जॉइंट होता है उसको हम लोग सैक्रोइलियाक जॉइंट बोलते हैं, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पर एक जॉइंट होता है, वो नस जो है वहाँ से होते हुए उस जॉइंट के आसपास से होते हुए गुजरता है और हमारे जांघों के पीछे से होते हुए पैरों में जाता है। तो किसी भी प्रकार का अगर SI जॉइंट डिसफंक्शन होता है तो वो भी कारण बन जाता है सियाटिक नर्व को दबाने का, कंप्रेस करने का या फिर उसको इरिटेट करने का, जिसकी वजह से सियाटिका हो जाता है। ये भी कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है लेकिन कॉमन है। यूजुअली जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, बस में, बाइक में, जहाँ पर जर्क लगने का चांस ज़्यादा होता है, उनको ये समस्या ज़्यादा होती है, या फिर लंबे लंबे घंटों तक कंप्यूटर में बैठ करके काम करते हैं, उनको भी ये समस्या होने का ज़्यादा चांस रहता है।
इसको भी हम एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस क्या करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के देख लीजिएगा। थर्ड जो कॉमन कॉज है वो है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम। ये जितने भी कॉजेस है ये मैं अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स में मैंने पाया है, और मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ उसमें भी मैंने पाया है कि ये सब काफ़ी कॉमन कॉजेस हैं सियाटिका का। तो पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है? पायरीफॉर्मिस एक मसल्स है जो हमारे बटक्स एरिया में होता है, ठीक है, बटक्स का जो बाहरी वाला हिस्सा में वहाँ पर वो मसल्स रहता है। एक फ्लैट मसल्स है जो इलियाक से शुरू होता है और वो जाकर के हिप बोन का जो एक टिप होता है वहाँ पर जाकर के वो इंसर्ट होता है, ठीक है। उस मसल्स के अंदर से होते हुए सियाटिक नर्व गुजरता है, ठीक है, आप मेरा बात को ध्यान दीजिए। एक फ्लैट मसल्स हमारे बटक्स में है जिसके अंदर से होते हुए सियाटिक नर्व गुजरता है। तो पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाता है। नॉर्मल मसल्स जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन वो स्टिफ हो जाता है और वो उस नस को दबाता है, इरिटेट करता है, जिसकी वजह से हमें सियाटिका का पेन होता है, ठीक है। ये नॉर्मली जिनका बैठने वाला जॉब है, जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनको ये ज़्यादा होता है। वैसे ये किसी को भी हो सकता है, मैंने देखा है कि जो हाउसवाइफ्स है जो लगातार काम करते रहते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है, और बहुत ये भी काफ़ी कॉमन है मेरे क्लिनिक में, मैं देखता हूँ बहुत कॉमन है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम। तो इसका भी एक्सरसाइज के द्वारा ट्रीटमेंट संभव है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्या क्या एक्सरसाइज करना है, फॉलो करना है, वो आप जा करके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। फिर फोर्थ एक रीज़न है वो है ट्यूमर। किसी भी प्रकार का अगर हमारे एब्डोमिनल एरिया में ट्यूमर हो जाए, नॉर्मली फीमेल्स में जो यूटराइन ट्यूमर होता है वो ट्यूमर क्या है, वो नसों को दबाता है और हमें सियाटिका का प्रॉब्लम होता है। तो ये इतना कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी ये पाया जाता है। उसके बाद भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे फिफ्थ एक रीज़न है एंटरोलिस्थेसिस, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो स्पाइन है वो आगे की तरफ खिसक जाता है इस तरह से, ठीक है, और वो सियाटिक नर्व को दबाता है जिसकी वजह से सियाटिका होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जा करके देखिए। और मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पाया है कि कई बार लंबर डिस्क हर्निया और पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम को एग्जिस्ट करता है, यानी कि आपको लंबर डिस्क हर्निया भी है और पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम भी है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लोग लंबर डिस्क हर्निया को तो ट्रीटमेंट कर देते हैं और पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका पेन जो है वो हल्का हल्का बना रहता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको एक पक्का रिजल्ट मिलेगा।